एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए, और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार ये करते रहे कि और भी विपक्ष के जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्षी बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए, और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है।